आज बना रहे हैं भाकरी। इसे बनाने के लिए गेहूं का आटा, पहले दो तरह की भाकरी बनेगी, मेथी और धनिया भाकरी और जीरा भाकरी। मेथी और धनिया और हरी मिर्च भाकरी, मसाला भाकरी बनाने के लिए ये मैंने एक कटोरी गेहूं का आटा लिया है। तेल को थोड़ा गर्म करने के लिए रखेंगे। और आटे में थोड़ा नमक डालेंगे, स्वाद के अनुसार नमक, हरी मिर्च अदरक का पेस्ट, ये मेथी है जो बारीक बारीक काटी हुई है, और ये धनिया, धनिया पत्ती है जिसको भी बारीक काटा हुआ है। एक चम्मच तिल लेंगे, तेल को हल्का ही गरम करना है। तेल गरम हो गया है, फोर टेबल स्पून तेल डालेंगे। ये गुजरात की डिश है, ये एक तरह की चपाती है जिसे सुबह ब्रेकफास्ट में चाय के साथ और डिनर में सब्जी के साथ खाया जाता है। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एकदम टाइट लोट टाइट आटा बनाएंगे। ये 10 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। जीरा भाकरी बनाने के लिए दूसरा आटा तैयार करेंगे। स्वाद के हिसाब से नमक, थोड़ा हल्दी पाउडर और थोड़ा जीरा। ये जीरा भाकरी बना रहे हैं। 2 स्पून ऑयल, 3 चम्मच। इस तरह से आटे को देखना है, इस तरह से तैयार होता है आटा। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के कड़क लोट तैयार करेंगे। इसको भी ढककर रखते हैं। अच्छे से आटे को मैश कर, आटे की लोई तैयार करके पेड़े बना लेंगे आटे के। एक साइज में बनाने के लिए इस तरह से कटिंग, कटोरी का माप लेके कटिंग कर देंगे जिससे साइज एक सा बनेगा।
जीरा भाकरी बनाएंगे। आटा कड़क रखना है। चक्कू से इसमें कांटे मारेंगे जिससे अच्छे से अंदर से सिक जाएगी। इसको ऐसे दबा दबा के सेकेंगे जिससे अच्छे से अंदर तक सिक जाए। अगर ये ऐसा ये लकड़े का ये नहीं है खाने का तो ये कपड़े की मदद से भी इसको इस तरह से दबा सकते हैं। इस पर घी लगाए भाकरी के ऊपर भी घी लगाने का है। घी बिना तो भाकरी अच्छी नहीं लगेगी इसलिए दोनों साइड से घी लगा लेना। इसमें भी घी लगा देते हैं। गैस बंद कर देंगे। ये अपनी गुजराती भाकरी तैयार है। भाकरी तैयार। ये कोथमीर मेथी की भाकरी और ये जीरा भाकरी रेडी है। इसको चाय के साथ या सब्जी के साथ खाया जाता है। थैंक यू भावना जी। थैंक यू। बाय बाय।